मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले चार तरह के पावर एक्सिस्ट करते थे दुनिया में, जो कि थे फायर, वाटर, एयर और अर्थ। सभी विलेज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बड़े शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन हम देखते कि जो फायर विलेज था वो सारे विलेज के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो शांति था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था विलेज में। हर जगह बस लड़ाई चालू हो गया था अपने विलेज को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता था कि इसे बस एक ही इंसान रोक सकता है जिसके अंदर ये चार पावर का सुपीरियर हो। इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम वाटर विलेज के दो इंसान को देखते हैं, जिसका नाम था सोकर और कटारा, जो कि एक भाई बहन थे। उनकी माँ पिता की मौत फायर विलेज से लड़ते समय हो गया था। तभी सोकर को बर्फ के नीचे से एक अजीब सी रोशनी निकलती हुई दिखती है। वो तुरंत वहाँ पे खोदने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते कि वहाँ के एरिया में क्रैक होना चालू हो जाते और वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते। दूसरी तरफ हम देखते कि उनके पीछे एक बड़ा सा आइस बॉल निकलते जा रहा था जमीन के नीचे से। लेकिन तभी हम देखते कि उसी आइस बॉल के अंदर से एक बड़ी सी रोशनी निकलती है, जो कि ऊपर की ओर जा रही थी। कटारा उसे देख के एक्साइटेड हो जाती है और उसे तोड़ने के लिए उसके पास चली जाती है। रोशनी के बंद हो जाने के बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, जो कि एक बड़े से जानवर के साथ सोया था। सोकू और कटारा उसी बच्चे को बिना सोचे समझे अपने विलेज में ले आते। यहाँ पे कटारा ऑब्जर्व करते कि उस बच्चे के बॉडी में काफी स्पेल लिखे गए थे, जिसे वो तुरंत कवर कर लेते हैं। तभी कटारा उसे सवाल करते हुए पूछते कि आखिर तुम वहाँ पर कैसे पूछे, जिसकी रिप्लाई में वो बताता कि मैं अपने जानवर के साथ बाहर घूमने के लिए। लेकिन अचानक से मौसम बदला और वहाँ पे तूफान आ गया। दूसरी तरफ हम देखते कि उस एरिया के बारे में भी फायर विलेज को पता चल गया था। वो सभी इस विलेज में घुस चुके थे और यहाँ पर एक बच्चे को ढूंढ रहे थे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि कुछ तो बात था इसके अंदर, जो कि हमें बहुत ही जल्दी पता चलेगा। इसके बाद हम देखते कि उस ग्रुप का लीडर, जिसका नाम था जुको, वो सभी से कहने लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर है वो सभी को इकट्ठा करो। जिसके बाद हम देखते कि सभी सैनिक कोने कोने में फैल जाते उसी लड़के को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते कि उनमें से एक को फाइनली वो लड़का मिल गया था और उसके सर में निशान देख के वो समझ जाता है कि ये लड़का वही है जिसे हम सभी ढूंढ रहे। वहाँ पे पूछ के वो जुको से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी बस मेरे साथ है, तो ये सब बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चे के जाने के बाद ये लोगों को अब जाके पता चलता है कि आखिर वो बच्चा था कौन, मतलब कि उनकी दादी ने उसे पहचान लिया था और उन्हें सच बताते हुए कहते कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही अवतार था जिसके अंदर चार विलेज के सुपीरियर पावर है, और यही वजह था कि वो फायर विलेज उसे अपने साथ पकड़ के ले गए। दूसरी तरफ हम देखते कि जुको उसे पकड़ के अपने अंकल से मिलवाता है, जिसका नाम था लोहा। लोहा उसे देखते समझ जाता है कि वही अवतार है जिसे हम सभी इतने सालों से ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर भी ये बात कंफर्म करने के लिए वो चारों पावर को उसके सामने रखता है, जहाँ पे वो ये देख के शौक हो जाते कि वो लड़का बड़ी आसानी से ये सब पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते कि वो बड़ी शांति से उसके साथ बिहेव करना चालू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जुको एक गलती कर बैठता है। वो अपने अंकल से कहता है कि ये तो हमारा गुलाम है, तो आप इतनी शांति से उसके साथ पेश क्यों आ रहे हो, और ये सुन के अवतार को काफी गुस्सा आता है और फाइनली वो अपनी पावर का एक डेमो ये लोग को भी दे देता है, मतलब कि वो उनके सामने बड़ी आसानी से वहां से भाग जाते हैं। वो जैसे वहां से निकलता है तभी वो अपने सामने सुको और कटारो को देखता है, जो कि उसके हेल्प के लिए यहाँ पे रहते थे। लेकिन अवतार बताता है कि मुझे जल्दी से वापस अपने गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग को अब पता चल चुका है मेरे बारे में सब। जिसके बाद हम देखते कि वो दोनों अवतार के साथ उसके गांव में चले जाते। यहाँ पे पूछने के बाद अवतार देखता है कि वो काफी लेट हो चुका है, मतलब कि फायर विलेज वाले उससे भी पहले पूछ के सभी को मार चुके थे। तभी कटारो उससे बताते कि तुम जिस आइस बॉल में थे वो सालों से बंद था और तुम्हारी आंखें काफी सालों के बाद खुली। वो उसे सब बता देते कि कैसे फायर विलेज वालों ने पूरे तरीके से शांति को भंग कर दिया था और इसी लड़ाई के बीच हमने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया, अब तुम ही इकलौते हमारी आखिरी उम्मीद हो जो कि यह सबसे हमें बचा सकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते कि फायर विलेज के कमांडो, मतलब कि जुको के डैड, जिसका नाम था जाओ, उन्होंने सबके सामने अपने बेटे की बेइज्जती की और वहाँ पर सबके सामने कहा कि जो इंसान आपके सामने बेटा है वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि एक ऐसा कायर सिपाही है जो कि एक बच्चे तक को भी पकड़ नहीं पाया। यह सब सुन के जुको को वहाँ पे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय वो अपने डैड के कान में कहते हैं, अब मैं यहाँ पे अवतार के साथ ही वापस आऊंगा। यहाँ पे हम देखते कि इनकी और एक लड़की भागती हुई आती है, जिसके पीछे वही फायर विलेज के लोग पड़े थे। ये लोग को देखते ही अवतार तुरंत अपने सर को छुपा लेता है ताकि वो लोग उसे पहचान न पाए। तभी हम देखते कि कटारा वो लोग से लड़ने के लिए अपने पावर को यूज करती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते कि वो अपनी पावर को पूरी तरीके से मास्टर नहीं की थी और वो दुश्मन के बदले खुद के उसके भाई के ऊपर
अटैक कर देते। इसके बाद हम देखते कि वो सभी वो लोग को पकड़ के अर्थ विलेज में लेके आते। यहाँ पे पूछ के अवतार देखते कि ये विलेज भी उनका शिकार बन चुका था, मतलब कि सभी लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। तभी हम देखते कि अवतार से ये सब देखा नहीं जाता, वो तुरंत अपने पावर को यूज करके वहाँ के सभी लोगों को कहते कि मेरी मदद करो। जैसे सब लोग उसके हेड में बने स्पेल को देखते तो वो लोग समझ जाते कि ये वही अवतार है जो कि हमें ये सबसे बचा सकते हैं। वो सभी के अंदर फाइनली थोड़ा हिम्मत आता है, वो सभी आगे बढ़ते लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि वो सभी मिलके वहाँ के फायर विलेज के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते। ये सबसे अवतार वो लोग के सामने उनका मसीहा बन चुका था, लेकिन अब भी अवतार पूरी तरीके से तैयार नहीं था वो लोग से लड़ने के लिए। उसने बस अपने विंड पावर को पूरी तरीके से मास्टर किया था, लेकिन बाकी के पावर अभी भी मास्टर करना बचा हुआ था। इसलिए वो अपने लिए एक मास्टर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और गांव वालों को पूरे तरीके से यकीन दिलाता कि मैं वापस जल्दी लौटूंगा और अपने आगे के सफर में वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि ये लोग को पता चल चुका था कि अवतार अब वापस आ गया है। वो सभी की मदद कर रहा है, उसने अर्थ विलेज को बचा लिया। तो ये लोग गुस्से में और भी पागल हो जाते और उसे पकड़ने की तैयारी चालू कर देते। इसके बाद हम देखते कि जब रात में सुकू और कटारा सो रहे थे तभी अवतार एक फैसला करता है कि वो इकला ही जाएगा आगे के सफर में, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आगे का सफर काफी खतरनाक होने वाला है। इसलिए वो बिना बताए वो लोगों को वहां से निकल जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद उसे वहां पर एक टेंपल दिखाई देता है। जैसे वो टेंपल के अंदर जाता है तभी उसके सामने उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि मुझे पता था तुम इधर ही आने वाले हो, मतलब कि वो समय आ चुका है जहां पर तुम्हें अब मुझसे ट्रेनिंग चाहिए, तो चलो मेरे साथ। हमें पता चलता है कि इंसान कोई और नहीं बल्कि सभी अवतार का गुरु था जो कि पहले भी उन्हें ट्रेनिंग दे चुका है। यहां पे अवतार अपने पूर्वजों का मूर्ति देख के काफी शौक हो जाता है, लेकिन तभी आता कहानी में ट्विस्ट, मतलब कि ये सब एक प्लान था। उन्होंने जानबूझ के गुरु से झूठ बुलवाया ताकि वो लोग उसे पकड़ पाए। अगले सीन में हम देखते कि वो लोग ने अवतार को एक चेन से बांध दिया था। तभी अवतार अपने कॉन्शियस माइंड में एक ड्रैगन के स्पिरिट को देखते हैं जो कि उसे गाइड करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकल के नॉर्थन वाटर विलेज में जाना है। और जैसे वो आगे की बात बताता तभी हम देखते कि वहाँ पर अचानक से जाओ हो जाते हैं जो कि अवतार को देख के काफी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अवतार तो काफी बड़ा इंसान होगा। वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं अपने सैनिकों से कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। तभी हम देखते कि वहाँ पर एक मास्क पहने वाला आदमी उसे ग्रुप के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके सभी सैनिकों को मारने लगते हैं, जिसके बाद वो चुपके से अवतार को आजाद करके वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अचानक से जाओ उसे देख लेता है और अपने सैनिकों को तुरंत अलर्ट करता है उसे पकड़ने के लिए। वो मास्क वाले इंसान जैसे तैसे अवतार को वहाँ से ऑलमोस्ट निकाल दिया था, लेकिन वहाँ से भागते टाइम एक तीर उसको लग जाती है और जैसे ही अवतार उसमें से मास्क निकालता है तो वो ये देख के शौक हो जाता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जाओ का बेटा है जो कि पता नहीं उसकी मदद क्यों कर रहा था। इसके बाद हम देखते कि वहाँ से निकलने के बाद अवतार सुकू और कटारी के पास आते हैं और उन्हें अपने साथ लेके ड्रैगन स्पिरिट के बताए हुए जगह में चले जाते हैं जो कि था नॉर्थन वाटर विलेज। दूसरी तरफ हम देखते कि फायर विलेज को भी पता चल चुका था कि अवतार अब कहाँ पे जा रहे हैं। वो लोग भी अपना प्लानिंग चालू कर देते उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पर पूछ के वो सबसे पहले वहाँ की राजकुमारी से मिलते हैं जिसका नाम था यू। अवतार अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो लोग के सामने अपनी पावर को यूज करते हैं जिससे वो लोग समझ जाते कि ये लोग कोई फायर विलेज के लोग नहीं है। अवतार उन्हें बताता कि बाहर पूरी तरीके से फायर विलेज वालों ने अटैक कर दिया है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे मेरे वाटर के पावर को मास्टर करने के लिए आपसे ट्रेनिंग चाहिए, जिसके रिप्लाई में हम देखते कि यू भी मान जाती है और उन्हें वहाँ पे रुकने की परमिशन दे देती है। काफी दिन ट्रेनिंग लेने के बाद हम देखते कि फाइनली वो दिन आ चुका था जहाँ पे हम देखते कि अवतार अपने वाटर के पावर को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। लेकिन बहुत ही जल्दी कहानी में आने वाला था क्योंकि फायर विलेज के लोग कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते जोको को जो कि सबसे पहले अवतार को पकड़ने के लिए यहाँ पे आया था। वो बड़े चलाके से पानी के अंदर से उसी विलेज के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे वो अवतार और उसके दोस्त लोग को देखता है जो कि एक जगह में जा रहे थे। वो उनको फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते कि अवतार अपनी पूरी पावर को जगाने के लिए वही ड्रैगन स्पिरिट को वापस से बुलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाना चालू कर देता है। सोकू और बाकी सब वहाँ से निकल जाते विलेज के हेल्प करने के लिए, लेकिन कटारा वहाँ पर ही रुकती है। वो लोग के जाने के बाद हम देखते कि यहाँ पे जुको आ जाता है जो कि अपनी पावर को यूज करके अवतार को पाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम लोगों को ये दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट देखने मिलती है जहाँ पे हम देखते कि ये कटारा काफी कोशिश करती है अवतार को बचाने के लिए क्योंकि उसका मेडिटेशन कैसे भी टूटना नहीं चाहिए। अब जैसे कि जोको भी नॉर्मल इंसान नहीं था, वो भी एक पावरफुल वॉरियर था, इसलिए वो बड़ी आसानी से कटारा को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख के शौक हो जाते कि जोको अवतार को कुछ नुकसान पहुंचाता
पाता नहीं बल्कि उसे उठा के एक जगह छुपा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी ध्यान के बाद फाइनली वो ड्रैगन की स्पिरिट वापस आ गई थी, जो कि उसे बताते कि इस लड़ाई में तुम्हारी मदद तुम्हारी अंदर की पावर ही करेगी, मतलब किसी विलेज का पावर। इसके बाद हम देखते कि अवतार का जैसे आग खुलता है तो वो अपने सामने जोको को दिखता है और जोको को देखते ही वो चुपके से वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पर फाइट विलेज वाले ने पूरी तरीके से तबाही चालू कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ लोहा से कहते हैं कि हम ज्यादा देर तक इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि शाम होते ही इनकी पावर डबल हो जाएगी, जिसके बाद ये लोग हम पे भारी पड़ जाएंगे। हमें कैसे भी शाम होने से पहले इनके बैकबोन को तोड़ना होगा। जिसके रिप्लाई में लोहा से कहते कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उसे वहाँ के इंटीरियर पार्ट में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ मछलियों को देखते हैं जिनके सर में कुछ बना हुआ था। जाओ लोहा को बताता है कि ये कोई मामूली मच्छी नहीं है, अगर हम इन्हें जान से मार दे तो उनकी पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लोहा उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसके साथ साथ वो विलेज भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और वो ये बात नहीं चाहता था। जिसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि जाओ उसकी बात मानता नहीं और उसी मछली को बुरी तरीके से मार देता है। ये सब देख के हम देखते हैं कि लोहा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सभी पावर को यूज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका पावर देख के जाओ वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि मछली के मरने की वजह से सभी की पावर धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी और वो विलेज भी पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की रानी से यह सब देखा नहीं जाता और वो अपने लोगों को मरता हुआ देख के अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करने का फैसला करती है, क्योंकि अगर उसके अपने लोग ही नहीं बचेगी तो उसके जीने का मतलब ही नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोको उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यू उसकी बात मानते नहीं और अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करके अपनी पूरी शक्तियों से उसी मछलियों को जिंदा कर देती है जो कि मर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके विलेज का पावर फिर एक बार वापस आ गया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि चार योद्धा जाओ को घेर लेते हैं और वो सभी अपनी पावर को यूज करके उसे बुरी तरीके से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अवतार को, जो कि अपना पूरा दम लगा चुका था उसी फायर विलेज के लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी हार जाता। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मन को फोकस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना चालू कर देती है और वो अपनी पूरी शक्तियों को यूज करके वहाँ के सभी पानी को कंट्रोल करना चालू कर देता है, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि वो वहाँ के फायर विलेज के जहाजों को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। और ये सब देख के वहाँ के फायर विलेज के लोग डर के मारे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और इसी तरह हम देखते हैं कि ये जंग इधर ही रुक जाती है, जिसके बाद ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो।